Welcome to SG Inception's your aquarium channel. I am Matt, Blessings Aquarium, and in this video we are going to show the incredible fish tank setups at Blessings Aquarium. And with us is Aditi ma'am. Hi ma'am. Hello. So aaj ka video, I am sure bahut se log besabri se is video ka intezar kar rahe honge, because they'll get to know the aquarium setups that you have made and kya creativity, kya imagination aapne dal ke ye sare अलग अद्भुत एक्वेरियम सेटअप्स बनाए. तो मैं भी बहुत एक्साइटेड एंड क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या क्या आप बताने वाले हो इनके बारे में. सो ओवर टू यू. जी, सो एज यू नो एक्वेरियम्स टेल स्टोरीज दैट इंटरप्रेट्स डिफरेंटली. सो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ मेरी स्टोरी, एंड आई वुड लव टू नो व्हाट्स योर स्टोरी. तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी एक्वेरियम के पीछे आपकी स्टोरी क्या है. पर फिलहाल आइए मैं दिखाती हूँ अपनी स्टोरी. So here is the first incredible aquarium setup. ये एक L-shaped tank है, and to be honest इतना बड़ा L-shaped tank मैंने पहली बार Blessings Aquarium में देखा. and fishes के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही calming, peaceful vibes दे रही है fishes, और बहुत ही beautifully ढंग से इनको रखा गया है. तो मैं अब और नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि अदिति मैम अब आप इस पूरे setup के बारे में हमको बताएं. सो इसे जैसे आप देख रहे हैं कि दिस इज़ अ एल शेप टैंक. तो आज हम कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ों की बात करेंगे जो कि बहुत कम वीडियोस पे बात की जाती है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एल शेप के साथ साथ ही ये टैंक हमने ऊपर से यहाँ तक क्लोज किया हुआ है. सो टेक्निकली जब भी आप एल शेप टैंक बनाते हैं तो यहाँ तक आपका टैंक ख़त्म हो जाता है. बट वी हैव यूज दिस अंडर स्टेयर केस का जो जगह है वो वी कुड हैव एंडेड इट हियर, बट वी वॉन्टेड टू यूज़ दैट स्पेस टू गिव दैट एंटायर लुक. टेक्निकलिटीज़ में ग्लास के लिए अगर आप जाएंगे तो क्लियर ग्लास हमने यहाँ पे यूज़ किया है. काफ़ी सारे आप जैसे देख रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट्स दिए गए हैं टैंक को. हाँ, थोड़ा सा एस्थेटिकली कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. नाउ दिस टैंक यूजअली होल्ड्स अराउंड 4,000 to 4,500 लीटर्स ऑफ वाटर. तो उतने पानी के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा फिल्ट्रेशन हो. फिल्ट्रेशन के लिए वी हैव अ हिडन सम, आउटर सम, बॉटम सम. डेकोरेशन के हिसाब से वी ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि हमको इसमें एक 3D शीट देना है. 3D शीट का एक जो लुक है आपको भी पता है, आप सब ने देखा है लास्ट वीडियो में, और आप सब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है. तो 3D लुक के वजह से ना एक ऑल टुगेदर, जैसे हम बायोटोप्स की बात कर रहे थे, वो एक बायोटोप का फील आ जाता है, लुक एंड फील आता है. टेक्निकल बातों में मैं आपको इसमें यह भी बता दूं कि काफ़ी सारे लोग स्टैंड को या बॉटम को या बेस को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. तो आपको ध्यान में रखना है, और लॉन्गर रन अगर आपको आपका टैंक, आपका स्टैंड ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा चले तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन दीज थिंग्स. फिश इसमें आप देख रहे हैं, वी हैव इम्पोर्टेड जापनीज कोइज, उसका कलर, एंड दीज आर ऑल स्केललेस, जिसमें थोड़ा थोड़ा स्केल दिख भी रहा है ये निकल जाएगा. So all are imported Japanese kois. We have some sevrums. अच्छा, driftwoods हमने इसमें huge driftwoods use किए हुए हैं. ये सर, driftwood की placing भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक अलग ही ढंग में करी है. देख सकते हैं आपकी ऊपर के तरफ एक driftwood है, उसके बाद में नीचे सारे उसके parts आ रहे हैं. जी, तो इसको भी keep on changing, because यही look देख देख कर लोग भी bore हो जाते हैं. सो ये इसलिए है क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, हम सब ने, आई एम श्योर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई रिवर में, लेक में स्विमिंग के लिए गए होंगे. और अगर आपने देखा होगा कि उसका जो किनारा है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के ऐसे प्लांट्स के, ये बड़े बड़े ट्रीज के रूट्स आते हैं, है ना, और वहाँ पर वो फिश होते हैं. सो ऑल दिस एफर्ट इज़ टू गिव दैट लुक. ऑल्सो इसका लुक हम चेंज करते रहते हैं. और इस टैंक की विड्थ और हाइट क्या है? इसका विड्थ है ऑलमोस्ट 24 इंचेस. दैट्स 2 फीट. या दैट्स 2 फीट, एंड इसका हाइट इज 3 फीट. सो 3 फीट का इसका हाइट है. एंड मैम, हमारे व्यूअर्स हॉबीज़ बारीक चीजें जानने में दिलचस्पी रखते, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या थिकनेस है इस टैंक की. ओके, तो थिकनेस अगर आप थोड़ा सा पास से दिखा दें. जी जी. सो वी हैव गॉट अ 12 mm. Okay. और वी एक्चुअली वॉन्टेड अ 15 या 19 mm फॉर दिस, बट देन वी फिगर्ड आउट कि बिकॉज इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स आने वाले हैं. जी. सो फिर हमने इसको 12 mm CNC क्लियर ग्लास में बनाया है. okay.
एक साल ऑलमोस्ट इस टैंक को हो गया एंड देयर हैव बीन नो स्क्रैचेस. ग्लास का क्वालिटी मैं बताऊंगी, काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ग्लास आई थिंक मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था. सो देर इज़ रेगुलर ग्लास, देर इज़ स्क्रेप का ग्लास, देर इज़ क्लियर ग्लास, देर इज़ एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास. अगर एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का आपका बजट नहीं है देन यू शुड गो फॉर अ क्लियर ग्लास. बहुत ज़रूरी है आपका सी आप या तो सस्ता टैंक बना लो या तो आप एक इकोनॉमिक टैंक बना के उसका जो यू नो उसके ऊपर जो स्क्रैचेस वगैरह है वो सब नहीं आते. सो मेक श्योर यू गेट अ गुड क्वालिटी ग्लास विद फ्रॉम अ गुड कंपनी. कोई हॉबीस्ट ऐसी टैंक देख के अगर उसकी इच्छा हो रही है तो क्या आप घर में फ्लैट में ऐसी टैंक बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं. काफ़ी सारे लोगों के पास है ना ऐसी जगह होती है स्टेयरकेस के नीचे या कोई अगर दो पिलर्स के बीच में थोड़े से ऐसे और स्पॉट्स होते हैं एंड हमारा कस्टमाइज्ड टैंक्स का एक्सपर्टीज ही वो है कि ऐसे और स्पॉट्स में जितने से जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम उनको सेटअप्स देने की कोशिश करते हैं. सो ऐसा ही एक टैंक ये है, मतलब वी कुड हैव जस्ट क्लोज दिस एंड यहाँ पे हम कुछ एक शोकेस बना सकते थे बट वी वॉन्टेड टू गिव दिस कम्प्लीटली डिफरेंट लुक. ग्लास का मैंने आपको बता दिया है, सम्प मैंने आपको बता दिया इसमें. अच्छा और ओवरऑल जब आप बड़े टैंक्स के लिए जाते हैं तो वी डेफिनेटली रिकमेंड अ वेव मेकर. रीज़न बींग एक वाटर टर्बुलेंस होना चाहिए. वाटर टर्बुलेंस पानी में जितना रहेगा, इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा है कि आपका जो फिल्टर है आपका फिश ये फिल्टर के फ्लो के अगेंस्ट तैरता है और ये फ्लो उसको पीछे ढकेलता है. तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे ये प्रेशर की वजह से ना फिश रह नहीं पा रही है या फिश फेंकी जा रही है. बट मैं आपको बता दूँ फिश रियली लव टू स्विम अगेंस्ट द करंट ऑफ द वाटर. तो जहाँ से प्रेशर आ रहा है उसके अगेंस्ट आपका फिश तैरेगा. तो प्लीज़ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, फिल्ट्रेशन अच्छा दीजिए. गुड फिल्ट्रेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ गुड एक्वेरियम. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ओके और इसके बारे में बता दूँ तो बिकॉज हमको वैसा एक लुक एंड फील देना था तो वी हैव यूज्ड नेचुरल क्वार्ट्ज सैंड एंड रॉक्स भी हमने एज ड्रिवर रॉक्स यूज़ किए हैं विच आर वेरी स्मूथ. ऑल इन ऑल लाइटिंग भी ऐसा दिया है जो अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सन का रिफ्लेक्शन के वजह से जैसे यू नो पानी में ये आता है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वेव्स. तो दैट इज़ ये सारे चीज़ें मिलकर जो है इस टैंक को बहुत अलग लुक देते हैं. और इस टैंक का पूरा डिज़ाइनिंग, इसका मेकिंग पूरा रिचर्ड सर ने किया था, प्लानिंग उसका पूरा किया था. ऑल इन ऑल मैं बताऊँ तो इस टैंक को पूरा बनकर रेडी होने के लिए 2 से 2.5 महीना हमको लगा था. और हाँ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव टैंक्स. हम भी बहुत प्यार करते हैं इस टैंक से एंड हमारे व्यूअर्स बहुत सारे जो भी ये वीडियो देखते हैं वो भी ये टैंक्स को बहुत बहुत प्यार करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड का डिज़ाइन जी, तो यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा आप बारीकी से देख सकते हो जो स्टोन्स होते हैं ओवर द टाइम उनके ऊपर अलगे जम जाती है, उनका टेक्सचर ख़राब हो जाता है. तो सिमिलरली वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश की इन्होंने 3D बैकग्राउंड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस एंड सो आर आवर व्यूअर्स. तो मैंने आपके गैलरी में ऐसे ऐसे टाइप्स के 3D बैकग्राउंड देखे जो शायद ही किसी स्टोर में अवेलेबल है जी. तो क्या आप एक कोई सैम्पल या अवेलेबल होगा वो आप दिखा सकते हो बैकग्राउंड? डेफिनेटली. इनफैक्ट मैं खुद चाह रही थी कि क्योंकि पहला वीडियो जाने के बाद काफ़ी व्यूअर्स के फ़ोन आए कि किस तरह से बैकग्राउंड होता है, क्या मटेरियल यूज़ होता है. तो मैंने कुछ सैम्पल्स निकाल के रखे हैं, मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ जी. सो ये सैम्पल्स कुछ हमने आपके लिए निकाल के रखे थे. सो दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल. सो ये सबसे छोटा साइज़ है जो अवेलेबल होता है. सो दिस इज़ 2 feet by 12 inches एंड दिस इज़ अ रेजिन मिक्स्ड मटेरियल. अगर आप देखोगे ये देखिए बचता है ये. सो दिस इज़ नॉट थर्माकोल. थर्माकोल में आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते. सो ये सबसे छोटा साइज़ अवेलेबल होता है. इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. एंड लेट्स से अगर आपका टैंक इस साइज से बड़ा है तो आप 2 से 4 मतलब जो साइज है उस हिसाब से आप ये शीट्स को मिक्स करके एक के साथ एक जोड़ के उतना बड़ा आप 3D शीट बना सकते हो. सेकेंड साइज हमारे पास है अगेन 2 feet by almost 18 inches का. सो ये देखिए दिस इज एक बिल्कुल ही नेचुरल जो बनियान ट्री जो होता है जी, उसका जो एक लुक है वो इसमें दिया गया है. तो इसके साथ अगर आप जैसे जियोफेगस हैं, सिक्लिड्स हैं, इतने सुंदर लगेंगे इसके इसमें कॉम्बिनेशन में. अच्छा और जब आप ये 3D शीट्स यूज़ करते हैं इन अंडर वाटर विथ लाइट्स तो इसका इफ़ेक्ट और ही अलग लेवल पे आता है.
इसके बाद और एक साइज इसमें आता है, वो भी मैं आपको बता दूं। गौतम वो लेकर आ जाओ, एक साइज से पकड़ना पड़ेगा तुमको, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज साइज। आ जाओ। सो दिस इज अ 4 feet शीट। ओह वाओ, जस्ट लुक एट दैट। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर इस टाइप से टेक्सचर से ऑलरेडी जो क्या बोलूं मैं, ट्री का जो एक ट्रंक है वो बना हुआ है। एंड जब इस टाइप के आप ये लगाते हैं, 3D शीट्स लगाते हैं, तो आपके अच्छा ये 3D शीट्स का ये भी है कि आप पूछेंगे कि इसका कितना साल ये चलता है, तो ये सालों साल चलते हैं, बिकॉज ये मटेरियल या ये जो कलर है ये पानी में ख़राब नहीं होते। दिस इज़ अ रेजिन मिक्स्ड थिंग, सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सालों साल। सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड लगाना है, उसके बाद आप सिर्फ फिश भी छोड़ेंगे ना तो भी आपका टैंक इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि जैसे आप हमारे टैंक्स देख रहे हैं। ले लो। And most importantly, आपने कहा कि थर्माकोल मटेरियल नहीं है। जी। That's very nice. जी। क्योंकि एक तो थर्माकोल मटेरियल अभी कैसा थर्माकोल एज इन दी बैंड है, सो यू कैन नॉट यूज थर्माकोल एंड यू शुड नॉट यूज थर्माकोल। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपको थर्माकोल में नहीं मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपको रेजिन मिक्स मटेरियल में, और बहुत ज़्यादा फंकी या बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स यूज मत कीजिए, क्योंकि फिर आपकी फिश हाईलाइट नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे तो वी हैव केप्ट एवरीथिंग डार्क जस्ट टू हाईलाइट आवर फिश। अगर हम पीछे का भी चीज़ें डार्क कर दें या बहुत ज़्यादा कलरफुल कर दें, तो आपकी फिश कहीं ना कहीं छुप जाएगी। सो ये है एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर टैंक या ऑस्कर टैंक। आई विल स्विच टू वाइड एंगल टू शो यू कि कितना विशाल ये टैंक है। एंड इस टैंक को देख के मेरे अंदर का ऑस्कर फैन और भी जाग चुका है, बिकॉज अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे फिश टैंक रूम में मैं भी ऐसा अमेजिंग सा बड़ा सा मॉन्स्टर टैंक बनना हुआ है। एंड डेफिनेटली अप्रोच ब्लेसिंग्स एक्वेरियम टू मेक दैट टैंक, बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे दे हैव मेड दिस टैंक एंड द वे दे हैव केप्ट दिस फिशेस। सो ये टैंक के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसकी पहले तो डाइमेंशंस है एंड किस तरह से आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, बिकॉज लेंथ तो है इस टैंक का, बट मैं देख रहा हूँ कि हाइट भी बहुत ज़्यादा है। ओवर टू यू। सो दिस इज़ अ 6 footer, हाइट इसका है 5 feet एंड डेप्थ इसका है ऑलमोस्ट 24 inches। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो वी हैव यूज 19 mm ग्लास। सो दिस इज़ अ 19 mm ग्लास। ग्लास हमने 19 mm इसमें इसीलिए यूज़ किया बिकॉज वी वॉन्टेड टू गिव इट दैट स्टर्डीनेस जो कि ये सालों साल चले। एंड बिकॉज हाइट थी तो हमको ये mm लेना ज़रूरी था। ये टैंक किसी भी हालत में आप 12 mm में नहीं बना सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी नए हॉबीज़ हैं, नए शॉपकीपर्स हैं, सिर्फ इकोनॉमिक करने के लिए आप mm कम मत कीजिए। अगेन दिस हैज़ अ सम, बिकॉज वी डू बिलीव कि सम फिल्ट्रेशन बड़े टैंक्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इफ़ यू डू नॉट हैव द स्पेस फॉर अ सम फिल्ट्रेशन, आप हमारे जैसे टैंक के नीचे उसको कर सकते हैं, या तो देन यू कैन गो फॉर एन एक्सटर्नल फिल्टर। बट सम फिल्ट्रेशन का एक अपना ही अलग लुक, अपना ही अलग यू नो क्लैरिटी है पानी का। इसमें भी आप जैसे देख रहे हैं कि 3D शीट हमने यूज़ किया है, बट इस 3D शीट का कलर कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली अलग है। इसमें हमने थोड़ा सा नियॉन कलर्स ज़्यादा यूज़ किए हैं। एंड द रीज़न बीइंग, फिश अगर भी मॉन्स्टर है, टैंक का थीम अगर भी मॉन्स्टर टैंक है, स्टिल इट शुड गिव यू दैट सूदिंग कामिंग इफेक्ट। इसमें अगर हम अलग टाइप का कुछ 3D यूज़ करते तो शायद इतना काम लुक इसका नहीं आता। और यस, ऑस्कर्स है इस टैंक में, लेकिन फीडिंग इनका प्रॉपर है, फिल्ट्रेशन आप देख रहे हैं, ओवरहेड प्रेशर आप देख रहे हैं, अगेन थर्मोस्टेट है, वी हैव अ वेव मेकर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने एक फ़िश टैंक को ये सारी नेसेसिटीज़ देंगे ना, तो आपके फ़िश टैंक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड ओवर फीडिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, तो आप ओवर फीडिंग फ़िश को मत कीजिए। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर द फिश, डू नॉट कीप अ बेयर बॉटम टैंक। देखिए अगेन, जो आपका लाइट है उसका जब रिफ्लेक्शन आता है, इट गिव्स अ ब्यूटिफुल इफेक्ट, अ कामिंग इफेक्ट। दैट इज़ द रीज़न ये एक मॉन्स्टर टैंक सेटअप होने के बावजूद भी इट इज़ गिविंग यू अ वेरी सूदिंग कामिंग लुक। और फिश आप जो सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर, डू योर होमवर्क, मेक श्योर दैट दीज द फिश यू चूज कैन बी टैंक मेट्स। फिल्टर आपको दिखाना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं सम का
बात सुनकर जी काफी सारे मीडियाज भी जा रहे हैं अपने जी फिल्टर मीडियाज हैं टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया. तो ऑफ कोर्स सम के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही हैं, सब कुछ जानते हैं. सो दिस इज़ अ स्मॉल सम एंड ओविंग टू द सम भी हमारा टैंक इतना क्लीन रहता है. द वाटर इज ट्रूली क्रिस्टल क्लियर. टू पर्सनली एक्सपीरियंस इट आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप खुद आइए, विजिट कीजिए और देखिए जानिए कि किस तरह से इन्होंने बनाया है और रखा है. पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और इसलिए देखने को इतना आई प्लीजिंग जो है. This is the next aquarium setup at Blessings Aquarium. Again, हम इस टैंक की dimensions जान लेंगे, but most importantly हम जानेंगे कि इसमें भी जो 3D background use किया गया है वो बिल्कुल अलग है. And because of that ये fish tank बहुत ही उठ के दिख रहा है. इसका जो beauty है वो double हो रहा है, दुगना हो रहा है because of selecting an appropriate design का 3D background. Over to you now. जी so let's see the designs dimensions first. This is a 8 footer tank, 8 by 5 by 24 inches ka 30 inches ka sorry ye tank hai. 8 feet is the length yes. 2 feet 30 inches is the breadth. Okay. And 5 feet is the height. Okay. Aur sath mein aap dekhenge glass again we have used is a 19 mm. Okay. So काफी लोगों ने देखा नहीं होगा what is a 19 mm. Now इसको 19 और हमने इसको सैंडविच किया है. Okay. So essentially the tank is 30 8 mm का ग्लास हमने यहाँ पे यूज़ किया. इफ़ यू कैन सी स्टडी चीज़ ही देने के लिए, बाकी तो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. 3D बैकग्राउंड में आपको बता दूँ तो 3D बैकग्राउंड का जो डिज़ाइन है ना वो आपने हमेशा ध्यान में रखना है. व्हाट इज़ द टैंक साइज, व्हाट आर द फिश यू वुड बी गोइंग टू एड इन. ऑफकोर्स अगर ये 8 फुटर है तो इसमें मैं टेट्रास नहीं डालूंगी. सो वी हैड प्लान्ड कि इसमें बड़े फिश ही जाएंगे एंड दैट इज़ द रीज़न इसका जो डिज़ाइनिंग है दिस आर कस्टमाइज 3D शीट्स. तो ये हमने इसलिए जानबूझ के ऐसे रॉक स्ट्रक्चर में किए हैं. ऑल्सो इसके अंदर जो फिश हमने सिलेक्ट किए थे तो आइदर ऑस्कर्स हैं या पैरट्स हैं या अरवाना जैसे शॉवल नोज जैसी फिश हैं. तो इनका एक्चुअल हैबिटेट में आपको ज़्यादातर स्टोनी हैबिटेट ज़्यादा दिखेगा. देर आर लेस और मोर ओवर नो प्लांट्स एट ऑल. ड्रिफ्टवुड्स वगैरह आप डाल सकते हैं बट वी वॉन्टेड टू गिव इट अ ह्यूज लुक क्योंकि ड्रिफ्टवुड से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका जो एक वास्टनेस है ना वो थोड़ा बहुत कम होगा. बट दैट इज़ द रीज़न इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े हमने इसमें टैंक के जो स्टोन्स का जो कार्विंग किया है वो 3D शीट्स हमने यूज़ किया है. लेट्स से अगर इस साइज़ का आप कोई टैंक कर रहे हैं तो आपको 3D शीट चाहिए ही, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बहुत छोटे पैटर्न्स इसमें आपको नहीं लेने हैं. और कलर कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि कौन से फिश आप डालने वाले हैं. एज़ पर दैट आप जो आपकी 3D शीट है उसको थोड़ा सा ब्लैकिश या थोड़ा सा कलरफुल या जैसे हमने थोड़ा बहुत नियॉन जो यूज़ किया है कलर दैट इज़ टू गिव द एल्गे इफेक्ट. काफ़ी स्टोन्स पे यू नो नदी में वगैरह काफ़ी एल्गे स्टोन्स पे आ जाता है. सो उस इफेक्ट को देने के लिए. बाकी टैंक के बारे में और बताऊँ तो वी हैव अ सम्प. बड़े टैंक्स में यूजुअली हम सम्प लगाते ही हैं. वी हैव अ वेव मेकर जी, फटाफट से मैं आपको सम दिखा दूँ. सो दैट इज़ अ सम. वी हैव अ वेव मेकर हियर. वेव मेकर का प्रेशर आप देख रहे हैं एंड वेव मेकर के प्रेशर की वजह से यहाँ पे देखिए एंड तक वो सारा प्रेशर है. ऑल्सो बिकॉज इट्स अ सम तो दिस इज़ द आउटलेट ऑफ द सम. तो यहाँ से पानी पूरा सर्क्यूलेट होकर आता है. वी हैव अ थर्मोस्टेट. सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली आपको ध्यान देना है. जैसे अगर आप फूडी होंगे तो आपको पता है कि एक बर्गर को या पिज़्ज़ा को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं. सिमिलरली एक एक्वेरियम को क्या क्या नेसेसिटी होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो अगले दो एक्वेरियम सेटअप्स हम आपको जो दिखा रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप इनके 3D बैकग्राउंड की डिज़ाइन देखें. तो इन्होंने मॉन्स्टर्स के लिए अलग 3D बैकग्राउंड लगाया है एंड बाकी फिशेस के लिए थोड़ा अलग 3D बैकग्राउंड ये किया है. ये हालांकि यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं बट यहाँ पे थोड़े से मीडियम साइज़ के फिश हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग डिज़ाइन का है, इसके वजह से जो एक्वेरियम फिश डाली गई है अंदर वो उठ के दिखाई दे रही है. तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा. जी तो पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस की. सो दिस इज़ अ 6 foot टैंक. 6 by almost 20 inches इसका हाइट है और 18 inches इसका ब्रेथ है. अब इसका जो 3D शीट है वो हमने थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मिक्स रखा है. दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ये हमारा डिस्प्ले टैंक नहीं है, ये हमारा स्टॉकिंग टैंक है. बट राइट नाउ ओनली बिकॉज हेकेली इसके अंदर है एंड वी हैव डिसाइडेड टू नाउ डेडिकेट दिस टैंक पर्टिकुलरली टू हेकेली. सो उसके सेटअप के हिसाब से हमने एज डिवर रॉक्स वगैरह डाला हुआ है.
बट अदरवाइज इस टैंक में अगर आप देखेंगे तो हेकेली भी अच्छा लगेगा, गोल्डफिश भी अच्छा लगेगा, एंजल भी अच्छा लगेगा, पैरेट भी अच्छा लगेगा. सो यू हैव टू एक्चुअली विजुअलाइज, प्लान, कीप इन कंसिडरेशन वॉट इज़ द साइज ऑफ द टैंक, कीप इन कंसिडरेशन वॉट ऑल फिश यू नीड टू पुट इन. आपके लिए थोड़ा ईजी है क्योंकि आप एक ही बार ये फिश टैंक बनाओगे और उसमें एक ही पर्टिकुलरली वराइटी रखोगे. सो जैसे मैंने आपको बोला सी, थ्री डी शीट इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग, प्लानिंग कि आप क्या डालना चाह रहे हो, किस टाइप का फिश आप डालना चाह रहे हो. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव केप्ट इट कम्प्लीटली ब्लैक एंड ग्रे. द रीज़न बींग हम ये भी चाहते थे कि इसका जो नीचे का सम का पूरा प्लेटिंग है इसका कंटिन्यूटी ना टूटे. अगर लेट्स से इसको हम कुछ वाइट कर देते या कुछ ज़्यादा कलरफुल कर देते तो ये कंटिन्यूटी इसका टूट जाता. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फिश भी हमने जानबूझकर ब्लैक एंड वाइट थीम ही रखा है. वी हैव गॉट शोवल नोज एंड वी हैव गॉट सम अरवानास टू कॉम्प्लीमेंट एवरीथिंग. एंड बिकॉज गोल्डन बॉर्डर है तो वी ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू गो बहुत ज़्यादा कलरफुल, तो वी हैव यूज अ एकदम सिंपल वाली गोल्डन सैंड यहाँ पे, नेचुरल गोल्डन सैंड. एंड ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू नो कैन रियली हाईलाइट योर एक्वेरियम, हाईलाइट योर फिश. सो यू नीड टू डिसाइड आप क्या हाईलाइट करना चाह रहे हो, और अगर आप बहुत हाईलाइट करना चाह रहे हो तो यू नीड टू प्लान. ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एक्वेरियम को लेकर. सो नेक्स्ट एक्वेरियम सेटअप आप जो देख रहे हो ये है एक सिक्लिड्स का सेटअप, एंड ये होता है एक आइडियल सिक्लिड एक्वेरियम सेटअप. ऐसा होना चाहिए एक सिक्लिड का सेटअप बिकॉज आप देख रहे हो इसके अंदर ड्रिफ्टवुड है, रॉक्स है, सैंड है, बिल्कुल नेचुरल फील आ रहा है. एंड यहाँ पर सेंटर में आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने बुद्धा रखा है, बिकॉज ऑफ दैट ये टैंक कितना पीसफुल लग रहा है एंड सेरेनिटी की वाइब्स आ रही है इससे. सो सब कुछ जानेंगे हम इस टैंक के रिलेटेड ओवर हियर जी. सो दिस इज़ अ 4 फुटर, पहले साइज देख लेते हैं. दिस इज़ अ 4 फीट टैंक, हाइट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 30 inches एंड ब्रेथ इज़ अराउंड 30 inches. और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस टैंक में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्धा आपने क्यों पानी में रखा हुआ है या आपने एक्वेरियम में क्यों यूज़ किया हुआ है. और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि हम कोई पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो क्या हम अपने गॉड को रख सकते हैं, क्या हम अपने देवता को रख सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं, बुद्धा इज़ ओमनी प्रेजेंट, मतलब मराठी में अगर आप बोलो तो हम बोलते हैं जड़ी स्थड़ी काष्ठी हर जगह. सो बुद्धा इज़ ओमनी प्रेजेंट, और मेडिटेटिंग बुद्धा हमेशा गिव्स यू अ पॉजिटिव वाइब्स. एंड कुछ भी अगर आप लेट्स से काम से थक कर आए हो या यू नो यू आर रियली स्ट्रेस्ड, यू आर ओवरवर्क, तो वो मेडिटेटिंग बुद्धा का ही एक कामनेस है जो आपको ये सीरिनिटी का लुक देता है. और यस, बुद्धा इज़ वन ऑफ दोज आइडल्स जो कि डेफिनेटली आप पानी में डाल सकते हैं. एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ मेडिटेटिंग बुद्धा, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड दैट उनका जो मेडिटेशन के जो वाइब्स हैं that give your entire house a very very positive and a very calm effect. तो ये टैंक हम without बुद्धा भी कर सकते हैं, but I wanted to give you this because fish aggressive है, so I wanted to contradict. काफ़ी लोग yin yang समझते होंगे कि क्या है, तो I wanted to give this that contradictory you know theme. That is the reason हमने बुद्धा दिया है कि इनका जो भी meditation है उसका जो पावर है वो हम पर रहे, हम सब पे रहे और हम सब पॉजिटिव वाइब्स में रहे. सो दैट इज़ द रीज़न दिस टैंक. सो दिस इज द लास्ट एक्वेरियम सेटअप दैट वी आर शोइंग यू, एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस आई विल जस्ट शो यू अ 360 डिग्री व्यू. सो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड अ सेमी प्लांटेड टैंक. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सैंड यूज़ की हुई है, साथ में ड्रिफ्टवुड्स यूज़ किए हुए हैं इस तरह से, जो एक यू नो इसका एक ऐसा थीम है कि एक जंगल से बीच में जाने वाली एक स्ट्रीम है जिससे बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं, जैसे कि एक अमेजोन फॉरेस्ट की थीम है. और दैट इज़ द रीज़न वी हैव यूज्ड आर ड्रिफ्टवुड इन दिस मैनर. ऑल्सो उसके ऊपर हमने काफ़ी सारा मॉस यूज़ किया है. एंड ये जो स्ट्रीम या ये जो प्लांट्स हमने यूज़ किए दे लुक अलाइक वैलिसनेरिया, बट दीज आर कॉल्ड सीड प्लांट्स. और इसको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है,
फर्टिलाइज सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। सो देन आप इसको एक सेमी प्लांटेड टैंक की तरह यूज़ कर सकते हो, जिसका लाइटिंग या CO2 या फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट आर वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अ प्रो प्लांटेड टैंक। एंड इसमें भी आप देख रहे हैं कि कलर्स हम दिखा चुके हैं रेनबोज़ के, सो दीज आर बोस्मनी रेनबोज़, दीज आर स्कारलेट रेनबोज़। बहुत ही रेयर है स्कारलेट रेनबोज़ का इतना साइज और ये कलर होना, बट लोगों को बहुत पसंद आता है। सो हाँ, इसका एक और थीम मैं आपको बता दूँ, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव अ बैकग्राउंड एंड इट हैज़ अ लुक थ्रू विच लाइक एक आप ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट है, दैट इज़ द रीज़न सेटअप हमने ऐसा किया है जो बीच में हो, सो दैट आप उस साइड से भी देख सकते हैं, आप इस साइड से भी देख सकते हैं, आप साइड से भी देख सकते हो। तो अगर आपको ऐसा कोई टैंक बनाना है जिसमें आप बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहते, इट कुड बी अ सेपरेटर ऑफ योर हॉल एंड किचन, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ सेटअप आपने बनाना है जिसमें जो वो एक लुक एंड फील आपको देगा, क्योंकि इसको आप कम्प्लीटली पीछे कर देंगे तो आपको पीछे साइड से बहुत गंदा लगेगा। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। So you just saw the different amazing aquarium setups at Blessings Aquarium. Let me know in the comment section ki aapko kaun sa aquarium setup sabse zyada pasand aaya ya sabse best laga inki gallery mein. So I'll see you again next time in another interesting and entertaining video. Till then, thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead.